फ्रेंड्स, क्या आप ऐसे कैरोसेल स्लाइडर वाले पीपीटी बनाना चाहते हैं, वो भी एक्शन बटन के साथ? तो ये सीखने के लिए वीडियो को एंड तक देखना। हम आ जाएंगे हमारे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर और यहाँ पर कुछ पिक्चर्स इंसर्ट कर देनी है। इंसर्ट करने के बाद उनको प्रॉपरली लाइन में अलाइन करना है। फिर हमें एक रेक्टेंगल शेप अपने पिक्चर के साइज का इंसर्ट करना है। तो रेक्टेंगल को इमेज के साइज का मेजर करके पिक्चर के अपसाइड एंड डाउनसाइड इंसर्ट कर देंगे। रेक्टेंगल इंसर्ट करने के बाद पिक्चर्स का कलर ब्लैक एंड व्हाइट कर देंगे। पिक्चर्स सिलेक्ट कर लेंगे, देन पिक्चर फॉर्मेट पर चले जाएंगे और कलर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, देन ब्लैक एंड व्हाइट ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। फिर एक एक करके हम स्लाइड कॉपी पेस्ट करेंगे। फिर एक एक करके हम इमेजेस को सेंटर में प्लेस करेंगे। ऐसा आपको लास्ट पिक्चर तक करते रहना है। जब सारी पिक्चर्स एक एक करके सेंटर में शो हो जाती है, उसके बाद हम ये सारे रेक्टेंगल्स रिमूव करके शेप ऑप्शन पर क्लिक करके दो ओवल्स अपसाइड एंड डाउनसाइड लगा देंगे, कलर व्हाइट रखेंगे। ओवल्स को कॉपी पेस्ट करके बचे हुए 7 स्लाइड्स में हम रेक्टेंगल्स को रिमूव करके ये ओवल्स पेस्ट कर देंगे। अब जो भी पिक्चर्स मिडल में हैं, उनको फिर से कलर्ड कर देंगे। ये देखिए, स्लाइड ऑलमोस्ट बन गया है। अभी हमें इसमें ट्रांजिशन ऐड करना है। तो ट्रांजिशन ऐड करने के लिए ट्रांजिशन टैब पर क्लिक करें, मॉर्फ सिलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए, ट्रांजिशन अप्लाई करने के बाद ये कितना स्मूथली मूव हो रहा है। अभी हमें इसमें डिटेल्स ऐड करनी है। सो इंसर्ट टैब पर जाकर टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट करके मेन्यू एंटर कर देंगे और इसकी साइज एंड फॉन्ट चेंज कर लेंगे। अलाइनमेंट करने के बाद हम नीचे फूड्स के नाम भी एंटर कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर आइसक्रीम, रोटी, राजमा, डोसा, सूप, आलू पराठा और पनीर है। अब एक बार स्लाइड शो करके देखते हैं। इस फॉन्ट में जे लेटर प्रॉपरली शो नहीं हो रहा है, तो हम फॉन्ट चेंज कर देते हैं। फॉन्ट चेंज करने के बाद अब फिर से स्लाइड शो देखते हैं। कैरोसेल प्रॉपरली अप्लाई हो गया है, लेकिन अभी इसमें एक्शन बटन अप्लाई करना बाकी है। हम शेप्स में जाकर एक एरो सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। शेप आउटलाइन में जाकर एरो की वेट इंक्रीज कर देंगे। एक एरो नेक्स्ट स्लाइड पर लेकर जाएगा और दूसरा एरो प्रीवियस स्लाइड पर। सब स्लाइड्स पर एरोज इंसर्ट करने के बाद हम एक्शन बटन लगाएंगे। उसके लिए आपको एरो सिलेक्ट करके इंसर्ट टैब में एक्शन बटन पर क्लिक करना है। फिर एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, हाइपरलिंक ऑप्शन पर क्लिक करना है और नेक्स्ट स्लाइड सिलेक्ट कर लेंगे। आप चाहे तो साउंड लगा सकते हो। फिर ओके प्रेस कर दीजिए। अभी हम ये सेम प्रोसेस सारे एरोज में अप्लाई कर देंगे। राइट साइड एरो में नेक्स्ट स्लाइड अप्लाई कर देंगे और लेफ्ट साइड एरो में प्रीवियस स्लाइड अप्लाई कर देंगे। सारे स्लाइड्स में एक्शन बटन अप्लाई करने के बाद आप F5 प्रेस करके स्लाइड शो देख सकते हो कि हमारा कैरोसेल स्लाइडर विद एक्शन बटन रेडी है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ऐसे और भी ट्रांजिशंस एंड एनिमेशन को सीखने के लिए और प्रेजेंटेशन को यूनिक और जल्दी बनाने के लिए राज सिंह माइक्रोसॉफ्ट के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जिसे उन्हें भी ये सीखने मिले।